अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसला। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाइक स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है 2024, जिसके अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने कैसे करनी है आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ कि आपको 20,000 बाइक्स देंगे, जो कि स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद नीचे बात करें 19,000 जो बाइक्स हैं वो यहाँ पे पेट्रोल वाली हैं, और 1,000 जो बाइक है वो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो आप इसके अंदर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पेट्रोल बाइक में अप्लाई करना है तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर अप्लाई करना है तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका तलक अगर फैसलाबाद से है, मुल्तान से है, बावलपुर से है, लावरपिंडी से है या लाहौर से है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख लें, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका अगर तलक यहाँ से है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके करनी है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तरीकाकार मुकम्मल, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके बाद मज़ीद इसके अंदर बात करें तो उन्होंने बताया था कि जस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो HEC से रजिस्टर होने चाहिए, फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर फैसलाबाद, मुल्तान, बावरपुर, लावरपिंडी और लाहौर वाले पहले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए एक ही फॉर्म होगा, अगर आप मेल हैं, ईमेल हैं, दोनों एक ही फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि इसके अंदर तरीका कार क्या है। उसके बाद यहाँ पे 3-4 शर्तें भी इनकी लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ था कि एज आपकी यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए, फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने यहाँ पर HEC का मैंने आपको बता दिया। नीचे इन्होंने बताया हुआ था कि आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, आपके पास बाइक का लाइसेंस होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बनवा लें। उसके बाद नीचे बात करें तो इन्होंने बताया हुआ था कि ये वाली जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद फिर आपका अप्लाई होगा। तो उसके बाद इसके अंदर 12 दिन अभी बाकी हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी 1375 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और जिसके अंदर 1160 यहाँ पे पेट्रोल वाली हैं और 215 जो बाइक हैं वो दूसरी हैं इलेक्ट्रिक बाइक। तो अभी आप ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है, फिल करने के बाद फिर आपका अप्लाई होगा। तो इसके लिए आप ऊपर अपना नाम लिखेंगे, फुल नाम, आईडी कार्ड वाला आपने लिखना है, नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपके पास होता है, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आपने लिख देना है, नीचे आपने जेंडर लिखना है, मेल है, फीमेल है, पासवर्ड लिखना है, रिपीट पासवर्ड लिखना है, और उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आपने इसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए ऊपर अपना आईडी कार्ड डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है, नीचे ये कैप्चा लिखना है, और उसके बाद आपने लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका इजी अप्लाई हो जाएगा। वो एक छोटा सा फॉर्म आता है जिसके अंदर बाइक लिखी होती है कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक में अप्लाई करना है या पेट्रोल बाइक में अप्लाई करना है। उसके बाद आपसे सिटी पूछेगा, सिटी के बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछने के बाद फिर आपका यहाँ पे इजी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँगा इसके हवाले से, नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अपडेट इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।